हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है टैरोज रिवॉर्ड। सो एक यंग वुड कटर था जिसका नाम था टैरो, जो कि अपनी मदर एंड फादर के साथ एक लोनली हिल साइड में रहता था, मतलब सुनसान हिल साइड था, वहाँ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, और पूरा दिन ना वो वुड काटता रहता था, लकड़ी काटने का काम करता था फॉरेस्ट में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, दो वो बहुत ज़्यादा, मतलब हालांकि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था, ही अर्न्ड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो जो कमाता था ना वो पैसे बहुत कम होते थे। दिस मेड हिम सैड, ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा निराश कर देती थी, बहुत ज़्यादा उदास कर देती थी। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो ना अपने पेरेंट्स का बहुत सोचता था, एक थॉटफुल सन था, एंड अपने ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था जो वो चाहते थे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। एक इवनिंग क्या हुआ, जब टैरो और उसके पेरेंट्स सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपने हट के एक किनारे पे बैठे थे, एक स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, हवा चलने लगी बहुत तेज। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो हट के ऊपर ना क्रैक्स थे, तो क्रैक्स में से हवा उनके पास आई और उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। सडनली टैरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक। सेक क्या होती है, एक जापनीज ड्रिंक होती है। तो यहाँ पे टैरो के फादर ने कहा कि आई विश कि मुझे काश एक कप ऑफ सेक, मतलब वो जापनीज ड्रिंक का एक कप मिल जाता, इट वुड वार्म मी, उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता, बहुत गर्म फील होता, एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता। दिस मे टैरो सैडर देन ही एवर, और अब इस बात पे टैरो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक ऑल सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो सेक, जो ड्रिंक उसके फादर चाह रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी मिलती थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो टैरो ने सोचा कि मैं और पैसा कैसे कमाऊँ, उसने अपने आप से ये सवाल पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं ये जो थोड़ा सा सेक है अपने फादर के लिए लेके आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने ना एक चीज़ ठानी कि मैं अब और ज़्यादा काम करूँगा, जितना काम मैं रोज़ करता हूँ उससे डबल मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, मतलब कि अगली मॉर्निंग क्या हुआ, टैरो जल्दी उठ गया देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। ही चॉप्ड एंड कट एज अ सन क्लाइम्ब्ड, जब सूरज छिपने लगा तब तक वो लकड़ी काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसको ना इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका पूरा मुँह सूख चुका था, एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका पूरा फेस जो था वो स्वेट से गीला हो गया था, पसीना उससे बहुत ज़्यादा आ रहा था, और बस वो सोचे जा रहा था कि माई पुअर ओल्ड फादर, इफ़ ओनली ही वॉज एज़ वार्म एज आई, काश उनको भी इतनी गर्मी लग पाती जितनी मुझे लग रही है। एंड विद डैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और फिर वो चॉपिंग करने लगा और तेज़ी से, थिंकिंग द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। तो वो बस हर टाइम यही सोच रहा था कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और अपने पापा को वार्मनेस में दे पाऊँगा वो सेक के रूप में। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, एकदम से क्या हुआ, टैरो ने चॉपिंग बंद कर दी। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ट, तो उसने सुना कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या कहीं से पानी बहने की आवाज़ आ रही है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, आज से पहले तो कभी टैरो ने कभी भी ना बहते हुए पानी को सुना नहीं था, उस आवाज़ नहीं सुनी थी, उसको ऐसा लगता था कि यहाँ तो आसपास कोई झरना है ही नहीं। लेकिन वो प्यासा भी था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, जो एक्स थी जिससे वो लकड़ी काट रहा था वो उसके हाथों से नीचे गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में वो भागा क्योंकि उसे प्यास लग रही थी। टैरो सो अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल, टैरो ने एक बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल देखा, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था, हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक पत्थर के पीछे वो छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली,
वो नील डाउन होके बैठ गया जहाँ पे जो पानी था बहुत ही क्वाइटली फ्लो कर रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में पानी लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होंठों के। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? तो जब उसने वो पानी पिया थोड़ा सा, तो उसने उसके दिमाग में ना एक चीज़ चलने लगी, क्या ये पानी है या ये सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसे टेस्ट किया एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और जब भी उसको वो टेस्ट करता था तो उसको फील होता था कि भाई ये तो डिलीशियस सेक है, जापनीज ड्रिंक है तो बहुत टेस्टी होती है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ये ठंडा पानी नहीं है। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, पिक्चर हम बोलते हैं अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, मतलब मिट्टी से बना हुआ एक घड़ा। तो टैरो ने क्या किया, उस पिक्चर को बहुत फटाफट से भर लिया एंड हरेड होम, और फटाफट से घर की तरफ भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और वो जो ओल्ड मैन था वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया सेक को देख करके। आफ्टर Only one swallow of the liquid, he stopped shivering. और जैसे ही उसने एक सिप लिया वैसे ही शिवर करना बंद कर दिया and did a little dance in the middle of the floor. और डांस करने लगा फ्लोर के मिडल में आकर के। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उसी afternoon शाम को क्या हुआ, एक पड़ोसी जो थे वो रुक गए, ठीक है, उनसे मिलना चाहते थे। टैरोज़ फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, टैरो के फादर ने बहुत ही प्यार से उनसे पूछा कि क्या आप कप ऑफ सेक लेना चाहेंगे। लेडी ने उसको बहुत लालची रूप में, ग्रीडी वे में ड्रिंक कर लिया और बाद में ओल्ड मैन को थैंक किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तो टैरो ने उस लेडी को मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. Thanking them, और उनको वो thank करते हुए, thank you बोलते हुए फटाफट speed से भागी, ठीक है। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और रात होते होते तो उसने ये story पूरे village में फैला दी, जो magic waterfall की story टैरो ने उसको बताई थी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और उस evening करो याद, याद करो, क्यों नहीं आएंगे, याद करो, चुपचाप याद करो और बोलना नहीं है, याद करो। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और उस इवनिंग क्या हुआ कि लोगों की तो भीड़ जम गई वुडकटर के घर पे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, क्योंकि हर एक इंसान ने जो उनके घर पे आया था उसने वाटरफॉल की स्टोरी सुन ली थी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और उसने सेक का एक सिप भी ले लिया था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और एक घंटे के अंदर अंदर तो वो पूरा पॉट खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली मॉर्निंग क्या हुआ, टैरो ने काम और ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर दिया लास्ट मॉर्निंग से। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, और वो अपने साथ बहुत ही बड़ा पिक्चर कैरी करके लेके गया पहले से भी ज़्यादा। एंड ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और उसने पहले ये इंटेंड किया कि वो वाटरफॉल की तरफ जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल द नेबर्स देयर, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि सारे के सारे नेबर्स यहाँ पे आए हुए हैं। दे आर कैरिंग पिक्चर्स, उन सबके पास ना पिक्चर्स थे, जार्स थे, बकेट्स थे, एनी थिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, मतलब ऐसे बर्तन थे जिसमें वो सेक को ले लें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. अब एक villager ना नीला उनके बैठा और उसने अपने हाथ आगे किए भाई पानी लेने के लिए, पानी पीने के लिए। उसने उस पानी को बार बार पिया और वो बहुत ही गुस्से से चिल्लाया कि water, nothing but water. अरे यहाँ तो कोई सेक ही नहीं है, ये तो पानी है। दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया लेकिन वहाँ पर कोई सेक नहीं मिला, उन्हें सिर्फ एक ठंडा पानी यही उन्हें मिला। और सब विलेजर्स ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, शाउटेड द विलेजर्स वेयर इज टैरो। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन टैरो जो था वो बहुत ज़्यादा समझदार था, बिकॉज
वो फटाफट से छुप गया, जैसे उसने देखा ना ये सारी चीज़ें कितनी ख़राब हो रही हैं। ही वॉज़ नाउ वेयर टू बी फाउंड, और वो कहीं मिल नहीं रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग मतलब स्पीकिंग अनक्लियरली, वो लोग बोले जा रहे थे, उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो दिखा रहे थे, एंड विलेजर्स जो थे वो वन बाय वन वहाँ से खिसक गए। अब टैरो जो था केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो जो था उस जगह से बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, उसने सोचा कि क्या ये सच है, क्या सच में ये सेक नहीं है, ये एक मेरा सपना है जो मुझे पानी सेक लग रहा है। वंस मोर उसने एक बार फिर से थोड़े से लिक्विड को अपने हाथ में लिया और अपने लिप्स के पास रखा, तो फिर उसने ड्रिंक किया तो उसको तो वो सेक ही लगा। टू द थॉटफुल सन मैजिक वाटरफॉल ने उसको फिर डिलीशियस सेक दिया, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, धीरे धीरे अपनी अनक्लियर क्लियर वे में ना बातें करे जा रहे थे, अपना गुस्सा दिखा रहे थे, अपने डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हुए सारे विलेजर्स जो थे वो एक एक करके उस जगह से चले गए। टैरो जो था अपनी हाइडिंग प्लेस से जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आ गया और उसने सोचा कि क्या ये सच है, क्या सच में ये सेक है या ड्रीम है। वंस मोर ही गॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर से उसने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया और अपने लिप्स के पास लेके गया, तो उसके लिए तो वो अभी भी सेक ही था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल, फिर उसने सोचा कि मैजिक वाटरफॉल जो है वो मुझे तो सेक दे रहा है और बाकी सबको कोल्ड वाटर दे रहा है। जो ये स्टोरी थी टैरो की एंड उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के एम्परर वहाँ के राजा तक पहुँच गई और उसने यंग वुड कटर को बुलाया, सेंड फॉर मतलब बुलाया, कॉल किया, एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको रिवॉर्ड दिया 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और इतना काइंड होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, टैरो के बाद उस ब्यूटीफुल माउंटेन का नाम टैरो रखा गया। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज, और ऐसा एम्परर ने इसलिए किया भी और उसने बताया भी ताकि जो बच्चे हैं वो सब एनकरेज हों, प्रोत्साहित हों, ऑनर एंड ऑबे करें वो अपने पेरेंट्स को। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। इसके जो ऑथर हैं वो जापनीज स्टोरी रिटोल्ड की गई है, तो इसलिए ऑथर का नाम इसमें नहीं बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें।